हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और
उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मज़ेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मज़ेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मज़ेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी,
देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे है और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे है और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे है और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं।
उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और
उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथु, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथु, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथु, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी,
देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सहपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है। इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सहपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है। इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद
वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सहपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सहपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सहपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है।
इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथु, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथु, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथु, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है,
इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सहपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है। इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जानवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जानवी कपूर और गुलशन देविया की सहपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जानवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है। इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जानवी कपूर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जानवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलागन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया के अलावा रोशन मेथू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ OTT पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देविया की सपाई थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद
वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जाह्नवी कपूर की उलझ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया की सहपाए थ्रिलर उलझ थिएटर में 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में जाह्नवी कपूर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने खुद पोस्ट शेयर करके दी है। नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द झूठे हैं और हर कदम पर जोखिम भरा है, वह सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए उलझ अब नेटफ्लिक्स पर। इसका मतलब है कि ये फिल्म उलझ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं आप। उलझ का निर्देशक सुधांशु सरिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया के किरदार जाह्नवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बचपन से सपना एक सरकारी अधिकारी बनने का था और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वह भारत की सबसे कम उम्र की डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन जाती है। इसके बाद वह कई राजनीतिक साजिशों में घिर जाती है। अब देखना यह मजेदार होगा कि क्या इस साजिशों में वह अपने करियर को बचा पाती है या नहीं। उलझ में जाह्नवी कपूर और गुलशन देवैया के अलावा रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेश तेलंगन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी, अरुण मलिक और प्रियंका पाल अहम भूमिका में है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है।